guys, welcome to my channel High Flames by Kanchan. Today I'm going to show how to make potato and cheese pierogi because sometimes it is better to make things at home. Now, first of all, for those who don't know about pierogi, let me tell you, it is a dish from Central and Eastern Europe, especially Poland. It's quite popular there. ये बहुत ही टेस्टी भी है. So do try it. जनरली इसमें एग यूज करते हैं बट फॉर दोज हु आर वेजिटेरियन मैंने यहाँ थोड़ा मॉडिफाई करके बताया है. सो लेट्स स्टार्ट टू मेक दिस यूरोपियन डिश. इसके लिए हमें चाहिए 4 से 6 उबले आलू मीडियम साइज के, 2 टेबलस्पून दही, थोड़ी खट्टी होनी चाहिए, 1 कटोरी मैदा, 1 कटोरी हिप्ड मैदा लिया है, 1 बड़ा प्याज लंबे कटे हुए, इसके बाद 1 छोटा प्याज चॉप्ड छोटे छोटे कटे हुए, 1/2 कप ग्रेटेड चीज. चीज अगर आपके पास अवेलेबल नहीं है तो आप इसे घर पर भी आसानी से बना सकते हैं. चीज बनाने की विधि मैंने पहले वीडियो में अपलोड की है, इसे आप मेरे चैनल पर जाकर देख सकते हैं और इसका लिंक इन्फो बॉक्स या डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया हुआ है. नमक स्वादानुसार, फिर इसके बाद हमें चाहिए 1 से धनिया पत्ती कटे हुए. अब सबसे पहले हम एक बाउल में मैदा डालेंगे, फिर इसमें थोड़ा नमक डालेंगे और दही डालकर थोड़ा मिक्स कर लेंगे हाथों से. अब इसमें थोड़ा थोड़ा पानी डालकर फिर हाथों से अच्छे से इसकी सॉफ्ट डो बना लेनी है. दो बन गया मेरा. अब इसे हम और सॉफ्ट करने के लिए इसे खूब अच्छे से इसे जितना मलेंगे उतना ही ये सॉफ्ट हो जाएगा. इस तरह से हाथों से खूब अच्छे से मल लेंगे इसे. अगर हाथों में ये थोड़ा चिपक रहा है तो आप ऑयल लगाकर थोड़ा सा हाथों में फिर इसे मले तो नहीं चिपकेगा. इस तरह से मैंने हाथ पे तेल लगाकर इसे फिर अच्छे से मल लेंगे ताकि मेरा डो बिल्कुल सॉफ्ट हो जाए. अब इसे हम 10 से 15 मिनट के लिए रेस्ट करने देंगे. अब गैस पे कढ़ाई गरम करेंगे और उसमें थोड़ा बटर डालेंगे. आप ऑलिव ऑयल भी डाल सकते हैं, यहाँ पर मैंने बटर का यूज किया है. इसमें फिर जो छोटे कटे प्याज हैं उसे डालकर भून लेंगे. इसे ट्रांसपेरेंट होने तक भूनना है. इस तरह से हम भून लेंगे इसे. अब देखिए ऑनियन हमारा ट्रांसपेरेंट हो गया है. अब जो मैंने आलू लिया था उसे मैश कर लिया है और उस आलू के मिक्सचर में इस प्याज को मिला देंगे. फिर इसमें ग्रेटेड चीज भी मिला देंगे. फिर इसमें काली मिर्च पाउडर डालेंगे और अच्छे से मिक्स कर लेंगे. धनिया पत्ती भी डाल देंगे और इसे फिर अच्छे से मिक्स कर एक किनारे रख दें. अब हम सरफेस पर मैदे की डस्टिंग करके मैदे की एक बड़ी सी लोई लेंगे और उस पर बेल लेंगे. हमें रोटी जैसी पतली बेल लेनी है. इस तरह से बड़ी सी रोटी बेल लिए. अब एक गोल कटर से, और कटर नहीं है तो आप ग्लास से भी इसे इस तरह से काट लीजिए. ये देखिए मैंने पूरा इसे काट लिया है और बचे हुए आटे को हटा देंगे. अब जो हमारा आलू का मिक्सचर रेडी है उसको थोड़ा थोड़ा सब पर रख देंगे.
हमें इतना रखना है कि ये आराम से ये कवर हो सके। इस तरह से देखिए, एक रोटी को लेकर इस तरह से सील कर देंगे हम चारों तरफ से, और इसके बाद इसे एक फोक की सहायता से दबा लेंगे। इस तरह से हम दबा लेंगे, ऐसे ही हम सारे को कवर करके रख लिए हैं। ये देखिए, इस तरह से हमारा रेडी है ये। अब गैस पर फिर कढ़ाई चढ़ाएंगे और उसमें पानी बॉईल करने देंगे। इसमें थोड़ा हम नमक डाल देंगे और इसे एक उबाल आने देंगे। जब अब ये देखिए पानी ये बॉईल हो गया है, इसमें अब धीरे धीरे करके सारे पिरोगी को डाल देंगे। जब ये हम डालेंगे तो ये नीचे बैठ जाता है कढ़ाई में, और पकने पर ये ऊपर आ जाता है। ये देखिए सारे ऊपर आ गए हैं, इसका मतलब ये अब रेडी है। इसे हम थोड़ा चलाकर फिर निकाल लेंगे प्लेट में। इसको अब हम निकाल लेंगे, ये पक चुका है। इसका पानी निकाल कर प्लेट में हम रख लिए इस तरह से। इस तरह से मैंने सारे पिरोगी को एक प्लेट में निकाल लिया। गैस पर पैन गरम करने रखेंगे और इसमें थोड़ा बटर डालेंगे। इसमें बटर मेल्ट होने पर इसमें जो लंबे कटे प्याज हैं उसको डालकर भूनेंगे। ये हमारा बटर मेल्ट हो गया। अब इसमें हम प्याज डाल देंगे और इसे भूनेंगे। इसे बहुत थोड़ा सा भूनना है, बस ये बिल्कुल हल्का सा, बस ट्रांसपेरेंट हो जाए उतनी ही देर इसको भूनना है। इस तरह से मैं चलाकर इसे थोड़ी देर के लिए भून लेती हूँ। अब इसमें थोड़ा सा नमक डाल देंगे। नमक आप अपने हिसाब से स्वादानुसार डालिएगा, क्योंकि इसमें मैदे में भी नमक पड़ा है, आलू में भी नमक पड़ा है और इस प्याज में भी नमक पड़ा है, और मैंने बॉईल करते समय पानी में भी नमक डाला है। अब इसमें हल्के ट्रांसपेरेंट होने पर इसमें सारे पिरोगी को डाल देंगे और इसे भी भून लेंगे। इसे आप ऐसे भी खा सकते हैं, ये प्याज भूनकर इसके ऊपर पिरोगी के ऊपर डालकर ऐसे भी खा सकते हैं, पर हमें ये फ्राई किया हुआ ज्यादा टेस्टी लगता है, इसलिए आपको मैं यहाँ पर फ्राई किया हुआ बता रही हूँ। इसे प्याज के साथ इस तरह से थोड़ा सा, थोड़ी देर बस फ्राई कर लीजिए। ये देखिए थोड़ा सा मैंने फ्राई कर लिया है, अब ये हो गया है। इसे अब आप गर्म ही खाइए, ये बहुत टेस्टी लगता है। ये कुछ हद तक मोमोज के जैसा ही लगता है। सो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूले। सी यू इन नेक्स्ट वीडियो। बाय बाय। थैंक यू एंड कीप कुकिंग।